मैं रिचा शर्मा एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ट्रेंडी स्टफ बाय रिचा शर्मा पे आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ गाइज, ये मैंने एक मिक्स सा पैलेट आपके लिए रेडी किया है जो कि सेमी फॉर्मल समरिश स्टफ के ऊपर मैं लेके आई हूँ। अब समर्स आ गई है तो ऑलमोस्ट सबको ही प्री समर्स और समर्स के क्लोथ्स चाहिए, तो उसी के ऊपर हमने आज का सारा वीडियो सेट किया है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं जी फ्रॉम द आउटफिट जो कि मैंने आज वेयर किया है। मैंने आज एक वेडिंग पे जाना है तो मैं उसके लिए रेडी हुई हुई थी। तो जी मैंने आज एक फॉर्मल अटायर पहना हुआ है विद अ हैंडवर्क नेट टॉप जो कि इस लेंथ का हमने बनाया है टिल द वेस्ट लाइन। ये नेट के ऊपर ऑलरेडी हैंडवर्क था, दिस इज इन ग्रे शेड, तो उसको हमने सिंपल ओ नेक में डिजाइन किया है। साथ में मैंने ली है हल्की सी पफ वाली आर्म्स, पफ स्लीव्स, और साथ में हमने उसको बेल शेप रखा है फ्रॉम द फ्रंट। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली स्कैलप्ड, तो हैंडवर्क आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही सुंदर हैंडवर्क हुआ था। तो मैंने इसमें ज्यादा कुछ तामझाम नहीं लेके जस्ट सिंपल इसको ओ नेक में डिजाइन किया है। ये फुली पैडेड बनी हुई है ड्रेस बिकॉज मैंने इसके शोल्डर्स को भी सी थ्रू रखा है एज वेल एज मैंने इसकी बैक को भी सी थ्रू रखा है ऐसे हुक के ऑप्शन के साथ। ये बैक पूरा टिल दिस लाइन सी थ्रू रहेगा और पीछे हुक का ऑप्शन हमने लिया है। साथ में मैंने इसकी जो बॉटम है वो मैंने एक काउल स्कर्ट, ओवरलैपिंग स्कर्ट भी आप कह सकते हो, ओवरलैपिंग टाइप में काउल स्कर्ट मैंने रेडी की है जो कि इटालियन सैटिन में बनी हुई है और ये सारी प्लीटिंग होके बनती है। दिस इज अ ओवरलैपिंग स्कर्ट विद प्लीटिंग ऑन इट। ये सारी इसकी प्लीट्स हैं जो एक काउल धोती टाइप की लुक देती हैं पहनने के बाद। बड़ा अच्छा इंडो वेस्टर्न सा फील आता है, एक इंडो वेस्टर्न अटायर बना हुआ है ये। साथ में मैंने सेम ही सैटिन का स्टोल रेडी किया है इस टाइप में, सेम जो बॉटम वाला फैब्रिक था उसी का स्टोल रेडी किया है। इसी फैब्रिक को यूज करके हमने एक यहाँ पे फ्लावर का पैच लगाया है, साथ में छोटी छोटी सी फ्रिलिंग की है हमने फ्रंट प्लस बैक ऑफ द स्टोल। तो इसको आप किसी भी तरह से कैरी कर सकते हो, मैंने इसको वन साइड शोल्डर पे कैरी किया हुआ है, आप इसको बैक साइड से भी कैरी कर सकते हो। आप अगर चाहते हो इसको कुछ इस तरह से कैरी करना है, द वे यू आर कम्फर्टेबल, आप इसको वैसे ही कैरी कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको मेरा ये अटायर मुझे जरूर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना वीडियो फ्रॉम द कलेक्शन जो कि मैंने आज डिस्प्ले में लगाया है। और गाइज आप इस तरह की कुछ डिफरेंट अटायर्स बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, हम आपको डिजाइन, आपको फैब्रिक्स और प्राइसेस सब आपको साथ ही रिप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। ये चिनॉन टू चिनॉन रहेगा, चिनॉन का शर्ट पीस 2.5 मीटर का कट, साथ में बॉटम और साथ में दुपट्टा बहुत ही सुंदर बांधनी चिनॉन का। ये सारे जयपुरी लुक के सूट्स हैं, इसमें 4 कलर्स रहेंगे अवेलेबल। आप फ्रंट ऑफ द शर्ट का लुक देखिए, बॉटम इसके साथ हैवी शंटूर लगाई हुई है सेम शेड। तो जी रेंज इसकी रहने वाली है 2400 रुपीज की रेंज। ये आ गया जी इसका फर्स्ट कलर जो कि डार्क मरून शेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी ये प्योर क्वालिटी में चिनॉन है और उसके ऊपर आ गया ब्यूटीफुल सा ब्राइट शेड में बांधनी प्रिंट। नेक के ऊपर आ गई बनारसी पट्टी, आप देख सकते हो कि नेक को हाईलाइट किया हुआ है बनारसी पट्टी के साथ। हेमलाइन के ऊपर भी वही बनारसी बॉर्डर आया। सेम शेड का आ गया जी इसका बॉटम मरून शेड का, फ्रंट प्लस बैक ओवरऑल ये बांधनी सूट है और चिनॉन जॉर्जेट्स बहुत सुंदर फिट देते हैं। ये आ गया इसके साथ इसका बहुत सुंदर बांधनी बंदेज टाइप का दुपट्टा। तो एक सेमी फॉर्मल सा अटायर है, बहुत सुंदर ब्राइट शेड की पैलेट बन के आई है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें ऑर्डर प्लेस कीजिए। नेक्स्ट आ गया इसमें कलर पीकॉक ब्लू, डिजिटल प्रिंट बहुत सुंदर है इसका जो जयपुरी लुक में किया हुआ है और दुपट्टा के साथ तो दिस इज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। ये देखिए आप इसका लुक पूरे पीस का। 2400 रुपीज की रहेगी इसकी रेंज, प्रॉपर लेंथ और विड्थ का आर्टिकल रहेगा, पूरे 2.5 मीटर का कट रहेगा बॉटम के लिए भी। मेहंदी ग्रीन शेड आ गया जी इसमें थर्ड शेड। आज ना हम डमीज डिस्क्राइब करना भूल गए, अभी इस पैलेट के बाद मैं डमीज भी डिस्क्राइब करूंगी। एक्चुअली मैं अपने ड्रेस दिखाने के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी
तो हमने डमीज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. इसके बाद आई शो यू दैट टू. दिस इज चॉकलेट ब्राउन शेड, सेम चिनॉन की जयपुरी प्रिंट में बनारसी पट्टी लग गई. साथ में ये ब्यूटीफुल सा दुपट्टा आएगा और फुल लेंथ एंड विड्थ का दुपट्टा है गाइज. और दुपट्टा के पल्लू पे भी सेम यही जो बनारसी बॉर्डर है, सभी के ऊपर बनारसी बॉर्डर भी लगा हुआ आएगा. इसमें फोर्थ शेड आ गया जी चॉकलेट ब्राउन. नेक्स्ट आ गया इसमें डार्क मस्टर्ड शेड. ये देखिए कितना लाइट वेट पीस है, बिल्कुल दुपट्टा काइंड ऑफ पीस है. मस्टर्ड येलो की लुक आ गई जी इस तरह की बनारसी बॉर्डर के साथ. ब्यूटीफुल सा दुपट्टा रहेगा और सेम शेड की सबकी बॉटम है बेस शेड की. नेक्स्ट आ गया जी इसमें डार्क पर्पल शेड. ये देखिए डार्क पर्पल शेड की लुक. डार्क पर्पल सूट का लुक, बॉर्डर और शर्ट और दुपट्टा आप देखिए कितना अच्छा सर्कुलर बंधेज डिजाइन में बना हुआ है. बहुत ही प्रिटी सा पीस रेडी हुआ है बनके. तो ये इस पैलेट की सारे शेड्स आ गए जी. इसके बाद जो नेक्स्ट पैलेट आ रही है वो भी बहुत ही सुंदर बुकलेट है एक, और इसमें सभी में डिजाइनिंग डिफरेंट है, कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट है, बहुत सुंदर पैलेट है. ये खादी मसलीन का फैब्रिक है, प्रॉपर सामरिश रहेगा. इनके ऊपर ना कश्मीरी थ्रेड वर्क है और बड़े डिफरेंट डिजाइन में इनके ऊपर थ्रेड वर्क किया हुआ है. इसकी रेंज रहेगी जी 3100 रुपीज की इस पैलेट की. साथ में इनके डिजिटल ऑर्गेन्जा बनारसी दुपट्टा आएंगे. तो ये ब्लू शेड आ गया जी, डार्क आइस ब्लू शेड. नेक के ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी रहेगी, मल्टी कलर थ्रेड वर्क रहेगा. और अब देखो कितना सुंदर ये मोटिव बना हुआ है पूरा सर्कुलर वे में. और हेमलाइन के ऊपर भी आपको बॉर्डर आएगा सिर्फ ऐसे जो सेम ही बना हुआ. बैक पे पाइपिंग्स आ गई जी. स्लीव्स के लिए भी पाइपिंग गिवन है. यस दिस इज फॉर स्लीव्स. आप स्लीव्स पे सेम कलर की पाइपिंग हाईलाइट कर सकते हो. जाम कॉटन का आ गया इसके साथ बॉटम इन द सेम शेड. सिर्फ शर्ट में लाइनिंग की जरूरत रहेगी, बॉटम तो जाम कॉटन में है. यू कैन गो फॉर विदाउट लाइनिंग टू. दुपट्टा देखिए इनके कितने सुंदर बन के आए हैं. ऑर्गेन्जा डिजिटल प्रिंट के दुपट्टाज हैं इनके साथ और बहुत ही प्रिटी हैं. इवन आप कुछ प्लेन सूट के साथ भी इनको यूज कर सकते हैं. ऐसे दुपट्टाज जो है ये मल्टीपल यूजेबल रहते हैं. आप किसी फॉर्मल सूट्स के साथ इनको पहनिए, कोई प्लेन सूट बनवा के इसके साथ पहनिए. इसके साथ तो ये जाई बहुत सुंदर रहा है बिकॉज सेम कलर का जो वर्क है वो आप देख सकते हैं पूरे सूट पे यूज किया हुआ है. एंड ये फिरोजी टच जो है ये पूरे दुपट्टे में दूर दूर ये ब्लू ब्लू फिरोजी फिरोजी जो टोन है वो आ रहा है. तो ये बनारसी दुपट्टा है प्योर ऑर्गेन्जा में डिजिटल प्रिंट के साथ इस सूट के साथ. दिस इज इन द रेंज ऑफ 3100. और इसमें मैं आपको और भी काफी शेड्स और डिजाइन्स दिखाने वाली हूँ. मस्टर्ड के साथ आ गया जी ये आ गया जी इस पीस का लुक. इसमें जो मॉडल ने वियर किया है पीस आप देख सकते हैं सिंपल नेक के साथ बनेगा बिकॉज इसकी एम्ब्रॉयडरी वैसे है. और साथ में उसने स्ट्रेट प्लाजोज वियर किया हुआ है मॉडल ने. और दुपट्टा कितना ग्रेसफुली उसने कैरी किया है. गाइज दिस इज अप टू यू कि आप सूट को कैसे कैरी करते हैं. बिल्कुल सिंपल ए लाइन विथ स्लिट्स ये स्टिच किया हुआ है और कॉन्ट्रास्ट बहुत ब्यूटीफुल है. कुछ हल्दी मेहंदी के फंक्शन पे आपको वेयर करना है, कुछ डिफरेंट और एलिगेंट सा पीस आप चाहते हैं और इन जेन्युइन रेंज, तो ये 3100 की रेंज का पैलेट है. बहुत ही सुंदर येलो के साथ ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट है. ये आ गया जी इसका लुक. ये देखिए ये पूरा नेक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी रहेगी थ्रेड वर्क के साथ. और फैब्रिक है ये खादी मसलीन, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है. शर्ट प्रॉपर लॉन्ग लेंथ में है. घेरे पे आ गई वर्क वाली पट्टी, जाम कॉटन की बॉटम और दुपट्टा इसका ये देखिए प्योर ऑर्गेन्जा बनारसी डिजिटल प्रिंट के साथ साथ ये सारा बनारसी वीविंग है. फ्रॉम द बैक साइड भी आप देख सकते हैं. और ये फोर साइडेड पाइपिंग के साथ फिनिशिंग की हुई है इसकी. टसल्स भी लगे हुए हैं फोर साइड. ये देखिए सूट वाले शेड के जो टसल्स हैं वो दुपट्टाज के ऊपर हाईलाइट किए हुए हैं और इनको प्रॉपर फिनिश किया हुआ है दुपट्टाज को. तो इसके साथ ये इसके दुपट्टे का लुक आ गया जी. सेकंड शेड मस्टर्ड आ गया इसमें. थर्ड इसमें शेड आ गया पिस्ता ग्रीन. ये देखिए इसका लुक पिस्ता ग्रीन के साथ बड़ा अच्छा नेवी ब्लू दुपट्टा बन के आया है. और इसकी डिजाइनिंग डिफरेंट है. इसमें पूरे में बूटी वाला वर्क है. यहाँ पे सेंटर में नेक सेट होएगा जी. यहाँ पे नेक लाइन बनेगी.
छोटी छोटी बूटी पूरे पल्लू पे रहेगी और बीच में एक बड़ा सा मोटिफ दिया हुआ है। हेमलाइन के ऊपर आ गया ये पूरा बॉर्डर इस तरह का, साथ में जाम कॉटन की आ गई जी इसकी बॉटम इन द सेम पिस्ता ग्रीन शेड। ये आ गया गाइस इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा नेवी ब्लू के साथ, बीच बीच में सी ग्रीन और मल्टी कलर्ड लुक है। डिजिटल प्रिंट बहुत सुंदर है और साथ में जो वीविंग दी हुई है बनारसी प्रिंट की वो भी आप देख सकते हो, सारी वीविंग है, बनारसी दुपट्टा है, फोर साइडेड पाइपिंग्स एंड ये टासल्स के साथ इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट शेड इसमें, वाओ वेरी प्रिटी शेड दिस इज, ये देखिए नेक्स्ट शेड आ गया जी इसमें वाइन शेड। इसमें कुछ ऐसा स्क्वायर टाइप में वर्क है और साइड में पैचिंग की हुई है, एक पैच इधर कॉर्नर में है एक पैच इधर कॉर्नर में है। तो ये देखिए जी इसका लुक, ये नेक लाइन आ गई जी सेंटर में, पैच आ गया इसके कॉर्नर में, स्क्वायर टाइप में डिजाइन बना हुआ है थ्रेड वर्क पे, एक पैच आ गया इसके राइट साइड यहाँ पल्लू पे कॉर्नर पे, जाम कॉटन की आ गई जी इसकी बॉटम इसके साथ और इसका दुपट्टा इसके साथ आ गया जी ग्रे कलर में। ये देखिए इसके दुपट्टे का लुक, थोड़ा सा ग्रे टोन का दुपट्टा है इसके साथ, बिकॉज ब्राइट है तो हल्का सा लाइट टोन दी हुई है दुपट्टे को, बीच में मल्टी कलर थ्रेड वर्क है, तो ये सारा जो डिजिटल प्रिंट है सारे दुपट्टों में मल्टी कलर ही है, तो ये इसका ओवरऑल लुक आ गया जी। तो इस पैलेट का ये लास्ट पीस है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैलेट अपनी। तो मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ गाइस, बहुत ही सुंदर डिजिटल प्रिंट का पैलेट है विद स्कैलप्ड घेरा, उपाड़ा सिल्क की रहेगी इसकी शर्ट, साथ में जाम कॉटन का बॉटम और प्योर के दुपट्टा हैं इनमें एम्ब्रॉयडर्ड। तो जी फर्स्ट जो डिजिटल प्रिंट है वो आ गया इसमें, थोड़ा मेहंदी मुंगिया ग्रीन सा है, ये देखिए इस तरह से मुझे लगता है बेटर दिखेगा। हाँ जी ये आ गया जी शर्ट पीस का लुक, मल्टी मल्टी कलर्ड सा शर्ट है पूरा डिजिटल प्रिंट में। लेंथ आप देखिए इसकी कितनी अच्छी लेंथ है, 48 to 49 इंचेस तक की बनेगी और आर्म्स के लिए जो स्लीव्स के लिए कपड़ा है वो अलग से दिया हुआ है। नेक के ऊपर आगे जी नेट प्लस जरी वर्क के साथ बनी हुई कुर्ता पट्टी नेक डिजाइन आ गया जी, फ्रंट प्लस बैक सेम डिजिटल प्रिंट रहेगा। हेमलाइन आप देखिए कितनी सुंदर बनाई हुई है, ये पूरा नेट लगा के स्कैलपिंग की हुई है जरी वर्क और नेट पे थ्रेड वर्क की। तो ये घेरा आ गया जी, रेंज इस पैलेट की रहेगी 2800 रुपीस की। बैक भी सेम डिजिटल प्रिंट है और स्लीव्स के लिए अलग से कपड़ा दिया हुआ है, एक इधर एक उधर, ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिया हुआ है, साथ में मेहंदी ग्रीन शेड की बॉटम आएगी, जो ये कलर यूज किया हुआ है नीचे घेरे के लिए उसी कलर की आ गई जी इसकी बॉटम हैवी शंटून में और दुपट्टा भी इसी शेड का है प्योर का बना हुआ, ये देखिए मेहंदी ग्रीन शेड का पूरा फुल एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, बड़ा लाइट वेट सा बहुत ब्यूटीफुल सा दुपट्टा बन के आया है इसका, टू साइडेड पूरा स्कैलप्ड है एम्ब्रॉयडरी के साथ और छोटी छोटी बूटी पूरे दुपट्टे में चलेगी। ये आ गया जी इस पीस का ओवरऑल लुक, बड़े डिफरेंट से लुक के पीस बन के आए हैं 2800 रुपीज की रेंज में। मेहंदी ग्रीन के बाद नेक्स्ट इसमें शेड आ गया जी पीकॉक ब्लू, टील ब्लू सा शेड है, आप इसकी लुक देखिए डिजिटल प्रिंट की, ये देखिए ये आ गया जी इसका लुक, नेक के ऊपर पट्टी आ गई जी जरी वर्क और थ्रेड वर्क के साथ, ये आ गई इसकी हेमलाइन, हेमलाइन के नीचे की तरफ स्कैलप्ड रहेगा, बैक रहेगी सेम डिजिटल प्रिंट की। ये आ गया जी शंटून का इसका बॉटम ब्राइट शेड में और ब्राइट शेड में ब्यूटीफुल सा दुपट्टा इसके साथ, ये आ गया इसका दुपट्टे का लुक। इनमें भी सारे ब्राइट शेड्स बन के आए हैं, ये देखिए इसका नेक्स्ट कलर वाइन टाइप का शेड है मरूनिश वाइन। ये आगे जी इसकी नेक की पट्टी का लुक, हेमलाइन का डिजाइन आ गया पूरा स्केलेट, डार्क मरूनिश शेड की ही बॉटम रहेगी, ये आ गया इसके साथ इसका दुपट्टा। ऑलमोस्ट सारे सेम ही सूट्स हैं, सेम ही डिजाइनिंग है, जस्ट जो कलर्स इसके कलर कंट्रास्ट हैं वो डिफरेंट हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको शेड बेस्ट लग रहा है वो आप पिक कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग।
आज ना हम इन द एंड ऑफ द वीडियो करने वाले हैं डर्मिस को डिस्क्राइब। तो 3200 की रेंज का आ गया जी लेमन शेड का सूट ऑर्गेन्जा टू ऑर्गेन्जा, जो इधर फर्स्ट डर्मी ने वियर किया है। इसके ऊपर क्रीम शेड में सारा रेशम का काम है, नेक वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी सा नेक वर्क किया हुआ है प्योर ऑर्गेन्जा के ऊपर क्रीम शेड के साथ। छोटी छोटी बूटी पूरे शर्ट पे रहेगी टिल हेमलाइन, हेमलाइन के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल सा बॉर्डर है और नीचे लेसिंग दी हुई है बॉटम के लिए। आप स्लीव्स पे भी यूज कर सकते हो या बॉटम पे भी यूज कर सकते हो। प्योर ऑर्गेन्जा की शर्ट, उपाडा सिल्क की बॉटम और साथ में प्योर ऑर्गेन्जा का ही इसका दुपट्टा रहेगा। ये देखिए वन साइड ऐसे फ्लोरल स्कैलर्ड रहेगा थ्री साइड लेसिंग के साथ और छोटी छोटी बूटी जो है वो थ्रू आउट द दुपट्टा रहेगी। तो ये लेमन शेड का पीस है जी। नेक्स्ट आर्टिकल आ गया ग्रे एंड लेमन इन द रेंज ऑफ 1750 रुपीज ऑर्गेन्जा टू ऑर्गेन्जा। अगेन ग्रे कलर का शर्ट पीस है जी और लेसिंग की हुई है, पूरी प्रिंसेस लाइन है इसके ऊपर, हेमलाइन के ऊपर भी लेस है, उपाडा सिल्क की बॉटम ग्रे शेड में, साथ में ये ब्यूटीफुली डिजाइंड दुपट्टा है येलो एंड ग्रे शेड में। तो 1750 की रेंज का ये ब्यूटीफुल सा डिजाइनर आर्टिकल है जो कि बुटीक स्टाइल में बना हुआ है। थर्ड आ गया जी खादी, ऑर्गेनिक खादी का पीस है बनारसी लुक में, हल्की हल्की सी बूटी है, वर्क है पूरे फ्रंट ऑफ द शर्ट में, साथ में इसकी आ गया जी बॉटम इन द सेम शेड। 3200 की रेंज का पीस और बहुत ब्यूटीफुल सा प्योर खादी का इसके साथ दुपट्टा रहेगा, सॉफ्ट खादी का फ्लोरल दुपट्टा रहेगा, मल्टी कलर्ड फ्लोरल, साथ में दुपट्टे की इस तरह की वीविंग है। तो ये आ गया जी इसके साथ दुपट्टे का लुक। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। आप सबको कैसा लगा आज का कलेक्शन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।